हेलो एवरीवन, चलिए एक बार फिर से नेक्स्ट अपन करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 10वें क्वेश्चन से शुरू होंगे। इसमें आपके बुक्स के जो अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे अलग अलग बुक से, वो हमने यहाँ पे लिए हुए सारे। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। इंडिगो चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन है। गांधी जी ऐसे क्यों मानते हैं कि चंपारण आंदोलन गांधी जी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। तो देखो लिखा है कि चंपारण एपिसोड शोड हिम दैट द पीपल ऑफ इंडिया कुड विन फ्रीडम फॉर देम सेल्व्स। तो गांधी जी ये मानते हैं कि चंपारण के लोग अपने लिए अब स्वयं ही आजादी प्राप्त कर सकते हैं बाय फॉलोइंग ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्या करके? कि एक तो सत्य और अहिंसा का पालन करके लोग स्वयं जो है वो फ्रीडम विन कर सकते हैं। गांधी जी एंड हीज वे ऑफ वर्किंग हैड सक्सीडेड। गांधी जी ने और गांधी जी के जो तरीका था गांधी जी का, वो दोनों सफल हुए थे। ही डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री। गांधी जी ने ये भी घोषणा करी कि मेरे स्वयं के देश में मुझे अंग्रेज जो है वो आदेश नहीं दे सकते। ही हैज एवरी राइट टू से हिज प्रॉब्लम्स। अपनी समस्याओं को कहने का गांधी जी कहते हैं हमें हर अधिकार है। ही विथ हेल्प ऑफ अदर पीपल कैन विन द बैटल अगेंस्ट द ऑपरेसर्स। सो इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो इसलिए ये गांधी जी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। नेक्स्ट है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाई वर द जर्नलिस्ट एंड द पब्लिशर्स पजल्ड एट द सक्सेस ऑफ अम्बटोज नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। तो जो इंटरव्यू आपका चैप्टर है उसमें से लिया गया है कि अम्बटो के नॉवेल की सफलता पर उसके जो पब्लिशर्स और जो जर्नल्स जो थे वो पजल्ड क्यों थे, परेशान क्यों थे। तो देखो यहाँ पे आपको लिखना है कि द जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स हैव अ डिफरेंट व्यू अबाउट द रीडिंग एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। दे से दैट पीपल लाइक टू हैव एन ऐसे रीडिंग एक्सपीरियंस, बट इको बिलीव दैट देयर आर ऑल्सो पीपल हु लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। हिज नॉवेल विच वॉज सीरियस इन नेचर हैड अ डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। दिस वॉज लाइक्ड बाय द पीपल। दिस वॉज अ सरप्राइजिंग फीचर फॉर देम। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको 20 से 30 शब्दों में देने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। लॉस्ट स्प्रिंग अनिश जंग के द्वारा लिखे हुए चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है कि मुकेश का दृष्टिकोण उसके परिवार के दृष्टिकोण से भिन्न कैसे था। तो देखो हमने देखा था कि मुकेश का जो परिवार है ना, वो एक बैंगल मेकिंग परिवार है, चूड़ियां बनाने का काम करने वाला परिवार है। लेकिन मुकेश चूड़ियां न बना करके एक कार मैकेनिक बनना चाहता था। तो आप आंसर लिखेंगे कि मुकेश कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स। अनलाइक हिज फैमिली मेंबर्स, यानी अपने परिवार के सदस्यों की चाहत के खिलाफ या उससे भिन्न, ही डज नॉट वॉन्ट टू क्लिंग टू बैंगल मेकिंग। वो बैंगल मेकिंग से चिपका नहीं रहना चाहता। ही वॉन्ट्स टू बी द मास्टर ऑफ हिज ओन मोटर मैकेनिक्स। तो वो अपने स्वयं के एक अपना स्वयं का मालिक बनना चाहता था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच न्यू आइडिया डू यू गैदर फ्रॉम द लेसन डीप वाटर। डीप वाटर से आपको क्या एक आइडिया मिलता है, इससे क्या संदेश मिलता है। तो बच्चों आप लिखेंगे कि डीप वॉटर इज अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंसिडेंट इन विच द नैरेटर नैरोली एस्केप्ड डेथ। यहां पर यह बताया गया है कि किस तरीके से लेखक जो है वो बाल बाल मृत्यु से बचा था। ही फाउंड दैट डेथ इटसेल्फ इज नॉट एज फियरफुल एज द फियर ऑफ डेथ। मतलब कि डर जो है ना, वो डर ही ज्यादा खतरनाक होता है, न कि मृत्यु। तो मृत्यु उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती है जितना कि मृत्यु से भय, मृत्यु से डर खतरनाक होता है। तो ये तो आएंगे आपके क्वेश्चंस, और अब हम यहाँ पे करेंगे एक एक्सप्लेनेशन। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरीके से आप जो है वो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, और इसमें आपको विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो देखो एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, बट विल कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग।
तो सबसे पहले तो लिखेंगे रेफरेंस। ये जो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं उसमें पहले रेफरेंस लिखा जाता है, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है और फिर एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है। तो जब रेफरेंस लिखते हैं तो उसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। आप लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। तो यहाँ पर तो लिखेंगे पोइम का नाम, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और ये थिंग ऑफ ब्यूटी से ली गई है। आगे लिखेंगे कंपोज्ड बाय जॉन किट्स, ये जॉन किट्स के द्वारा लिखी हुई पोइम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें से लिया है। तो जो रेफरेंस होता है उसमें उस पोइम का नाम लिखा जाता है और उसके पोइट का नाम लिखा जाता है, कवि का नाम लिखा जाता है। आगे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ बताया जाता है कि इसका संदर्भ क्या है, मतलब क्या कहना चाहती है इसमें, आपको इसके आसपास की चीजों को बताना है। तो लिखेंगे कि द पोइट डिस्क्राइब्स द प्रोफाउंड एंड जॉयस इफेक्ट दैट अ ब्यूटीफुल थिंग हैज ऑन अस, कि लेखक यहां पर यह बता रहा है कि जो सुंदर चीज होती है उसका प्रभाव, उसकी खुशी हमारे ऊपर जो उसका प्रभाव डालती है, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। तो देखो लिखेंगे, अब लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द पोइट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन इटरनल सोर्स ऑफ जॉय टू द बीहोल्डर। जो देखने वाला होता है उस देखने वाले यानी दर्शक को जो ब्यूटी जो होती है, सुंदर चीज जो होती है, वो हमेशा हमेशा सुंदर खुशी प्रदान करने वाली चीज होती है। इट्स ब्यूटी नेवर फेड्स, उसकी सुंदरता, क्योंकि जो पिक्चर है उसकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती, वो फेड नहीं होती, रादर इट कीप्स इंक्रीजिंग विद अवर ऑब्जर्वेशन, और जैसे जैसे हम उस चीज को लगातार देखते रहेंगे तो उसकी सुंदरता बढ़ती जाएगी। It is as pleasing and blissful as a fragrant clumps of bushes and provides us restful sleep that is full of sweet dreams. It is healthy and calming. तो ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और बहुत ही शांति प्रिय होती है। एक और हमने यहाँ पे ली है एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे देखेंगे When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. तो बच्चों ये जो एक एग्जाम्पल हमने लिया है, जो पोइम्स का जो स्टेंजा लिया है, ये जेनिफर आंट जेनिफर्स जो टाइगर्स है उसमें से लिया गया है, एडरिन रिच के द्वारा लिखा हुआ। तो सबसे पहले तो जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप लिखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस में आपको लिखना है कि दीज लाइन्स have been taken from the poem, और चूंकि ये अंतिम पंक्तियां हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि these lines are the closing lines of the poem Aunt Jennifer's Tigers और composed by Adrian Rich, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है। तो compose का मतलब होता है रचना करना, तो ये Adrian Rich के द्वारा रचित ये पंक्तियां जो है वो Aunt Jennifer's poems में से ली गई हैं। नेक्स्ट लिखेंगे context, और context में आपको ये लिखना है कि here the poet brings out the external truth that while the man is mortal and will cease to exist one day, the creations will live on proud and beautiful. अब देखो explanation लिखेंगे तो लिखना है कि now when Aunt Jennifer is dead and buried, जब Aunt Jennifer मर जाएगी और उसको गाड़ दिया जाएगा, the unhappy experiences which she experienced in her lifetime will remain with her forever. तो उसके जो unhappy experience थे, जो उसके जो दुख भरे अनुभव थे, वो हमेशा उसके साथ बने रहेंगे. But the tigers woven by her frail fingers on the screen will ever live. लेकिन वो जो आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं उस पर्दे पर, वो जो स्क्रीन पर, वो हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। स्टीपिंग गैली प्राउड इन देयर स्ट्रेंथ एंड फियरलेस ऑफ ऑल दैट दे सी, मतलब जैसा देखते हैं वैसा दिखेंगे, वही गर्वपूर्ण जोशीली चाल उसी रूप में बने रहेंगे, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। अब आपको यहाँ पे 60 शब्दों में आंसर जो है वो देना है इन क्वेश्चंस का। तो देखो यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। आंट जेनिफर ने अपने कैरेक्टर से भिन्न प्रकार के कैरेक्टर जो एनिमल्स हैं, टाइगर्स हैं, वो रचना कैसे कर ली। What might the poet be suggesting through this difference? तो बच्चों यहाँ पे आंसर दिया हुआ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एक और आंसर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कीप क्वाइट में से, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। इसके बाद देखो सेक्शन सी शुरू होगा, इसमें भी आपको 20 से 30 शब्दों में आंसर देना है, और ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिलेगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा नीचे भी आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट आपको पीडीएफ जो है हमारा मॉडल पेपर वाला जो इंग्लिश का जो सेक्शन है वहां पर आपको मिलेंगे।
अब देखो यहाँ पर हम करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी डिड द नैरेटर विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। तो नैरेटर ने कितना पैसा वहां से निकाला था, तो आंसर है $300, $300। द ऑथर इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, हु आर। तो ये ऑथर साउथ अफ्रीका में कहां से है, तो सन वर्शिपर्स, जो कि सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि व्हाट डिड हाना टेक आउट फ्रॉम द कबर्ड। हाना ने कबर्ड से क्या निकाला था, उसने क्विल्ट निकाला था। नेक्स्ट, इन 10 years द महाराजा किल्ड अबाउट हाउ मेनी टाइगर्स, तो 70 टाइगर्स। नेक्स्ट, इन गोंडवाना द एनिमल्स फाउंड वर, तो यहाँ पे रहेगा बी एंड बोथ सी आंसर राइट है, बोथ ए एंड बी, यानी मैमोन्स एंड डायनासोर्स। एंड नेक्स्ट है द वर्ड्स रिटन ऑन द कैप ऑफ द सोल्जर वर, तो उसमें लिखा हुआ था US नेवी सोल्जर। तो बच्चों ये हमने किया है लास्ट पार्ट, और इसकी PDF आपको ऐप में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।